गुड मॉर्निंग ऑल। लास्ट क्लास में हम लोग एक टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है शिक्षा के मुख्य उद्देश्य, मेन एम्स ऑफ एजुकेशन। और इसके भीतर हम लोगों ने जो व्यक्तिक उद्देश्य है शिक्षा का, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है, उसको फाइनल कर चुका था, देख चुका था, समझ चुका था। आज हम लोग देखेंगे कि सामाजिक उद्देश्य क्या है, शिक्षा का जो सामाजिक उद्देश्य होता है वो क्या है, यानी कि समाज के प्रति जो शिक्षा का उद्देश्य है उसमें कौन कौन सी बातें आती हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य। तो शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य की अगर हम बात करें तो उसमें भी निम्न प्रकार के उद्देश्य आते हैं, जिसमें कि पहला है बालक में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। मतलब कि हम कह सकते हैं कि एक ऐसा विकास जो बालकों के रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करे, किसके प्रति, समाज के प्रति। तो बालक समाज का एक अभिन्न अंग है और वह अपनी छोटी से लेकर बड़ी आवश्यकताओं के लिए समाज पर निर्भर रहता है। बात सही है कि हम लोग भी जब अगर बच्चे के रूप में भी थे तो हम लोग इसी समाज में इतने बड़े हुए हैं, और जो भी हमारी आवश्यकताएँ थी, जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, वो हम इसी समाज में पूरा किए हैं। यह प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व है कि वह समाज में संपन्नता लाने का प्रयास करें। यह हर एक व्यक्ति का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समाज में ऐसा काम करे जिससे कि समाज में संपन्नता आए, समृद्धि आए, एवं अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह स्वेच्छा के साथ करे। और जो भी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी के थोपने पर नहीं करे, वो खुद से स्वेच्छापूर्वक करे। सामाजिक उत्तरदायित्व की यह भावना यदि हम विद्यालय के वातावरण में उत्पन्न करना चाहते हैं तो हमें विद्यालय को सामुदायिक इकाई के रूप में संगठित करना होगा। अब अगर इसी सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना की हम बात करते हैं जो हम समाज में देखते हैं, अगर हम ये चाहें कि इसको हम विद्यालय के वातावरण में मिलाएं या विद्यालय में ऐसा वातावरण बना दें, तो उसके लिए विद्यालय को एक सामाजिक और सामुदायिक रूप से निर्माण करना होगा। सेकेंड पॉइंट है कि समाजवादी समाज की स्थापना करना। यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सोशलिस्टिक सोसाइटी की बात की जा रही है। तो भारतीय संविधान में यह स्पष्ट कहा गया है कि भारतवर्ष एक समाजवादी व कल्याणकारी राज्य है, यानी कि भारत जो है हमारा देश वो एक समाजवादी और साथ ही साथ कल्याणकारी राज्य है या राष्ट्र है, जिससे प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व एवं सुरक्षा का विशेष महत्व है। और ये जो हमारा भारत राज्य है, भारत राष्ट्र जो हमारा है, इसमें प्रत्येक नागरिक को समान स्वतंत्रता दिया गया है, फिर से समान, सबको समान अधिकार दिए गए हैं, सबको एक दूसरे से आपस में मिलजुल कर रहने का अधिकार दिया गया है, और साथ ही साथ सुरक्षा का भी अधिकार दिया गया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ऐसी शिक्षा की व्यवस्था रखनी होगी जो समाज में फैले अनेक बुराइयों को समाप्त करे। अब अगर हमें एक समाजवादी और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है तो ये ज़रूरी है कि हम एक ऐसे शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था करें जो कि समाज में फैले अंधविश्वास और अनेकों बुराइयाँ जो भी हमारे समाज में चल रहे हैं उन सभी को ख़त्म कर दें। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे तो बहुत से बुराई हैं जो समाज में व्याप्त है, जैसे कि जातिवाद, संप्रदायवाद, प्रांतवाद, स्त्रियों का निम्न स्तर, बाल विवाह, बाल श्रम आदि। जातिवाद आप लोग देखते ही हैं अपने रियल लाइफ में कि कैसे होता है, फिर संप्रदायवाद भी कहीं कहीं देखने को मिलता है जहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा उत्पन्न हो जाती है। हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई या किसी भी संप्रदाय के लोग आपस में झगड़ा झंझट करने लगते हैं। प्रांतवाद, यहाँ पे एरिया का डिस्प्यूट होता है, जैसे कि अभी साउथ इंडिया में कुछ दिन पहले वाटर को लेके, पानी को लेके दो इलाके के लोगों में झड़प हुई थी। उसके बाद स्त्रियों का निम्न स्तर का होना और बाल विवाह, उसके बाद बाल श्रम कि बच्चों को जब काम कराया जाए, जो
अंडर 18 ईयर्स के हैं उनसे अगर काम कराया जाए, तो ये सब व्याप्त बुराइयां हैं जो हमारे समाज में हैं, और इस सबों को दूर करने के लिए एक समाजवादी समाज की स्थापना करना आवश्यक है। इन सब बुराइयों को दूर करने का सबसे प्रभावशाली माध्यम क्या है? शिक्षा। जनतंत्र की सफलता जनसाधारण के शिक्षित होने पर निर्भर करती है। अब अगर हम पूरे जनतंत्र की बात करें, पूरे जनता की बात करें और अपने देश की बात करें, तो हमारा देश तभी एक सफल देश हो पाएगा जबकि हर एक व्यक्ति शिक्षित हो जाए। अतः जन साक्षरता का कार्यक्रम आयोजित कर सबको शिक्षा के समान अवसर देने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे सभी को समान शिक्षा देने की बात कही जा रही है कि इस राष्ट्र में अगर कोई जन्म लिया है तो हर एक उस जन्म लेने वाले को शिक्षा पाने का अधिकार प्राप्त है। थर्ड है कि सामाजिक बुराइयों का अंत करना, एबोलिशन ऑफ सोशल एविल्स। तो भारत में रूढ़िवाद एवं अंधविश्वास के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। ये भी बात है कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे बहुत सारा रूढ़िवादिता और बहुत सारा अंधविश्वास व्याप्त है, जैसे बाल विवाह, प्रदा प्रथा, विधवा पुनर्विवाह निषेध, स्त्रियों का नीचा स्तर आदि। ये सब जो समस्याएं हैं जो अंधविश्वास के घेरे में आती हैं, इन सबको दूर करने के लिए भी किसका आवश्यकता है? शिक्षा प्राप्त करने का। ये समस्याएं हमेशा राष्ट्रीय प्रगति में बाधक होती हैं। बात सही है कि अगर बाल विवाह होते रहा, पर्दा प्रथा होते रहा, विधवा पुनर्विवाह होते रहा और स्त्रियों का लेवल अगर नीचा रहा, तो हमारा समाज या हमारा देश आने वाले समय में एक विकसित राष्ट्र कभी नहीं बन पाएगा। अतः आज उचित शिक्षा के उद्देश्यों द्वारा ऐसे समाज का पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता है कि ये बुराइयां समाप्त हो जाएं। अब उसी फॉर्मेशन की बात की जा रही है कि शिक्षा का ऐसा स्ट्रक्चर हो, शिक्षा का ऐसा उद्देश्य हो और शिक्षा का ऐसा फॉर्मेशन हो जिससे कि उस शिक्षा को लागू करने के बाद हमारे समाज में समाज का पुनर्निर्माण हो और जितनी भी ये अंधविश्वास और बुराइयां और रूढ़िवादिता हमारे समाज में व्याप्त हैं वो हमारे समाज से कोसों दूर हो जाए, ताकि हमारा देश, हमारा राष्ट्र गौरवान्वित होकर एक विकसित राष्ट्र बनने में सफल हो पाए। फोर्थ है कि सामाजिक उद्देश्य को व्यापक रूप में स्वीकारना, एक्सेप्टेंस ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव्स इन वाइडर सेंस। अब यहाँ पे व्यापकता की बात की गई है। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य से ही समाजवाद का जन्म हुआ है। ये भी सही है कि शिक्षा के जो सोशल एम्स है उसी से समाजवाद का जन्म हुआ है। हम शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य को संकुचित अर्थात कट्टर राष्ट्र समाजवाद के रूप में न लेकर व्यापक अर्थ अर्थात प्रजातंत्रात्मक समाजवाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यानी कि अपने माइंड को नैरो नहीं बना के वाइडर कॉन्सेप्ट में लाना चाहिए और एक डेमोक्रेटिक नेशन का प्रारूप तय करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग एक डेमोक्रेटिक सेंस में जा रहे हैं या वाइडर सेंस में जा रहे हैं, तो हम शिक्षा से क्या क्या पा सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो है शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य है, इसको डिवाइड किया गया है कि पहला हो गया संकुचित अर्थ यानी कि नैरो मीनिंग, और दूसरा हो गया व्यापक अर्थ यानी कि वाइडर मीनिंग। अब जो संकुचित अर्थ वाले लोग हो जाते हैं तो वो एक एक्सट्रीम सोशलिज्म पे आके समाप्त हो जाते हैं, यानी कि उनका मानसिकता जो है वो संकुचित हो गया है और उससे ऊपर उठकर वो कुछ नहीं सोच सकते हैं। वो ना समाज में रहना पसंद करेंगे, ना समाज के लोगों के साथ मिलकर कोई काम करना चाहेंगे और ना ही किसी धर्म जाति में विश्वास रखेंगे। और अगर हम बात करते हैं व्यापक अर्थ की, तो वहाँ पे प्रजातंत्रात्मक समाजवाद डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात आती है कि हमारा मानसिकता व्यापक है और हम कुछ सोच सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं। उसके बाद जब हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में आ जाएंगे तो वहाँ पे अब हम दो तरीके से अपने माइंड को डिवाइड कर देंगे कि
कि एक हो जाएगा आपका सामाजिक कुशलता, यानी कि सोशल इफिशियंसी। कहने का तात्पर्य है कि समाज में आपको रहने का तरीका, एडजस्टमेंट, समाज के साथ मिलकर चलने का तरीका, वो सब चीज़ें आपके भीतर आ जाएंगी। और एक हो जाएगा नागरिकता, सिटीजनशिप। अब जब आपके अंदर सोशल इफिशियंसी आ जाएगी और सिटीजनशिप की भावना आ जाएगी, मतलब नागरिक आप हैं इस देश के, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप इस देश के लिए कुछ करें। या कह सकते हैं कि सोशल इफिशियंसी की अगर बात हो तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप इस देश के लिए कुछ सोच रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं। अब जब आपके भीतर सोशल इफिशियंसी आ जाएगी तो जाहिर सी बात है, इस समाज में आप हैं तो आपके भीतर आर्थिक कुशलता की भी डेवलपमेंट होगी, और साथ ही साथ पॉजिटिव मोरालिटी, एक सकारात्मक सोच की भावना आपके भीतर जागृत होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक डायग्राम को देखा जो शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य को बहुत ही अच्छे तरीके से और कम शब्दों में बहुत व्यापक रूप से इसका अर्थ बताता है। और फिफ्थ है कि जन शिक्षा का प्रसार करना, प्रोपगेशन ऑफ मास एजुकेशन। यहाँ पे जन शिक्षा से तात्पर्य है कि जो भी हमारे देश में जनता निवास कर रही है, उन सब तक, हर एक व्यक्ति तक शिक्षा को पहुँचाना, उसी की बात यहाँ की जा रही है। तो यदि हम समाज में वास्तव में उन्नति लाना चाहते हैं तो हमें जन साधारण तक शिक्षा को पहुँचाना होगा। इसके लिए हमें शिक्षा का निःशुल्क एवं सार्वभौमिक, शिक्षा को निःशुल्क एवं सार्वभौमिक बनाना होगा। सभी को शिक्षा के समान अवसर देने होंगे तथा जन साक्षरता का कार्यक्रम आयोजित करना होगा, तभी शिक्षा का उद्देश्य सार्थक होगा। अब यहाँ पे वही बात कही जा रही है कि यदि हम समाज में वास्तव में उन्नति लाना चाहते हैं तो ये तय कर लेना होगा कि जन साधारण तक, हर एक व्यक्ति तक शिक्षा को पहुँचाना होगा, तभी हम इस समाज में उन्नति ला सकते हैं, वरना ये किसी भी कीमत पर पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें शिक्षा को निःशुल्क एवं सार्वभौमिक बनाना होगा। अब अगर हमको समाज के हर एक व्यक्ति तक शिक्षा को पहुंचाना है तो वो तो तभी हो पाएगा जबकि हम शिक्षा को फ्री कर दें और साथ ही साथ उसको यूनिवर्सल कर दें। फ्री से क्या होगा कि जो भी लोग शिक्षा लेने में वंचित रह पा रहे हैं अपने आर्थिक संपन्नता नहीं होने के कारण, तो वो शिक्षा से जुड़ जाएंगे। और यूनिवर्सल से तात्पर्य है कि इस देश के हर एक कोने कोने तक शिक्षा को पहुंचाना और शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, और सभी को समान अवसर देने होंगे शिक्षा का, तथा जन साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करना। और साथ ही साथ यहाँ पे जन साक्षरता की बात की गई है कि जन साक्षरता का कार्यक्रम आयोजित करना, यानी कि एक प्रोग्राम फॉर्मेशन करना जिसमें सबको साक्षर बनाने का कार्य किया जाए, तभी शिक्षा का उद्देश्य सार्थक होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के क्लास में शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य को देखा, सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन क्या है। तो हम लोग दो तरीके के उद्देश्य देख लिए हैं, एक तो इंडिविजुअल और एक सोशल ऑब्जेक्टिव। अब लास्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि राष्ट्र संबंधी उद्देश्य शिक्षा के क्या हैं, एम्स रिलेटेड टू नेशन। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये तो क्लास की बात रही, आप लोग अपने जो फ्री समय मिला है COVID-19 के कारण, उसका भरपूर यूटिलाइजेशन कीजिए। क्योंकि अगर आप लोग अपने आप को आज पॉलिश नहीं करेंगे, आज अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कल फिर दिक्कत होने वाला है, फिर वही सीटेट, फिर वही बीटेट और फिर वही एस्टेट हमेशा देते रहेंगे, और बाद में यही कहेंगे कि चाह रहा था कि काश हम पढ़ लेते, ऐसा कुछ भावना आएगा जब किसी भी तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं क्रैश हो पाएगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी से कि आप लोग अपने समय का यूटिलाइजेशन कीजिए और एक डेट फिक्स कीजिए कि जैसे कि 15 दिन 20 दिन बाद का, मान लीजिए कि अभी तो COVID-19 का दौर चल रहा है और लॉकडाउन भी लगा हुआ है बिहार में, तो अभी तो एग्ज़ाम लॉकडाउन के पहले होगा नहीं, तो एक आज है 26 मई, आप लोग एक काम कीजिए कि जून तक 15 या 20 जून तक एक टारगेट कीजिए कि इस 15 से 20 जून तक हमको अपना जो भी
कोर्स है, जो भी सिलेबस है उसको फाइनल कर लेना है। क्योंकि आप लोग अपने लिए तैयार रहिए, क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद ही एग्ज़ाम का यूनिवर्सिटी कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो आप लोग अपने तरफ से तैयार रहिए, ताकि बाद में कोई किसी भी तरीके का पछतावा नहीं हो कि रुपया भी लग गया, समय भी लग गया और हम लोग किसी लायक नहीं हुए। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप लोग अपने समय का भरपूर यूटिलाइजेशन कीजिए, ताकि बाद में किसी भी तरीके का पछतावा आप लोगों के भीतर नहीं हो। और कुछ आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को सुन के कुछ ना कुछ अपने आप को ज़रूर देंगे। थैंक यू।